और एक और बड़ी खबर बिलासपुर से सामने आ रही है, सीधा रुक करेंगे, अहम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां 5 साल की बच्ची के इलाज में लापरवाही हुई है, बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें बच्ची के हाथ में फैला है इन्फेक्शन, इस वक्त की बड़ी खबर, गलत इलाज करने की वजह से बच्ची के हाथ में ये इन्फेक्शन फैला है। आपको ये भी जानकारी दे दें, नौबत ये आ गई है कि बच्ची के हाथ को काटना पड़ेगा। शिशु भवन अस्पताल का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो बिलासपुर से एक और बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इलाज में लापरवाही सामने आई है। दरअसल बताया जा रहा है 5 साल की बच्ची के इलाज में लापरवाही सामने आई है, और वही बच्ची के हाथ में इन्फेक्शन जो है फैला जा रहा है, गलत इलाज करने की वजह से बच्ची के हाथ में इन्फेक्शन फैल गया है और बच्ची का हाथ काटने तक की नौबत आ गई है। दिलीप लगातार सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़े हुए हैं। दिलीप, ये कैसी लापरवाही कि एक बताया जा रहा है कि गलत इलाज इस 5 साल की बच्ची को दिया गया, जिस वजह से जो इन्फेक्शन हुआ था ये पूरे हाथ में फैल गया। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगे हैं। ये मामला शिशु रोग अस्पताल का है जो मध्य नगरी चौक में स्थित है। वहाँ पे पिता ने शिक्षकों से शिकायत की है कि शिशु भवन में 5 साल की बच्ची को पैर में समस्या होने के कारण 20 तारीख को भर्ती कराया गया था, लेकिन उसका पैर में ऐसा इलाज किया गया कि 30 तारीख को आनन फानन में रायपुर रेफर किया गया। तो रायपुर में यह पता चला कि बच्ची के हाथ में इन्फेक्शन हो गया, और हाथ में ऐसा इन्फेक्शन हो गया है कि हाथ काटने की नौबत आ गई है। जिसके बाद ये बात सामने आई है कि इसमें जो शिशु बिलासपुर के डॉक्टर, शिशु के डॉक्टर हैं, उन्होंने लापरवाही बरती थी। इस मामले में सीएचएमओ से शिकायत करते हुए डॉक्टर के खिलाफ शिकायत कार्रवाई करने की मांग करते हुए पिता ने एक फरियाद लगाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दिलीप, अब बताया जा रहा है कि नौबत इतनी आ गई है कि बच्ची के हाथ में पूरा इन्फेक्शन फैला है, बच्ची के हाथ काटने तक का नौबत आ गई है। लेकिन ऐसे में दिलीप, आपकी जरूर बात हुई होगी डॉक्टरों से, क्या उन्होंने कबूला कि कौन सा इलाज, कौन सा इंजेक्शन क्या दिया था जिस वजह से बच्ची के हाथ में इस तरह इन्फेक्शन फैला है? देखिए, इस मामले में हमने शिशु रोग के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर श्रीकांत गिरी, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिलहाल इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। उनका साफ साफ ये कहना है कि जब चिकित्सा अधिकारी से इसकी ओर से उनको कोई नोटिस आएगा, इस तरह की जानकारी मांगी जाएगी, तो वे संबंधित अपने जो सीएचएमओ जिले के स्वास्थ्य अधिकारी है उनको इसके बारे में अवगत कराएंगे कि बच्ची को कौन सा इंजेक्शन दिया गया, क्या लापरवाही। फिलहाल उन्होंने जिस प्रकार से मीडिया से बात करने से इनकार किया, उससे लगता है कहीं ना कहीं डॉक्टर की लापरवाही है, जिसके कारण आज एक बच्ची के हाथ काटने की नौबत आ गई है। ठीक है, ठीक है दिलीप, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आगे बढ़